दिल्ली से रांची के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की गई है और इस बस सेवा का नाम स्टूडेंट एक्सप्रेस दिया गया है और इसकी शुरुआत करने वाले आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो हैं जो कि दिल्ली से विधायक भी हैं, हमारे साथ हैं। सर, पहले सबसे पहले आपको ये ख्याल कैसे आया कि इसकी शुरुआत करनी है? इस क्षेत्र में जो वैकल्पिक व्यवस्था मुझे देनी थी, जो मैं देना चाहता था, बच्चों को क्लासेस कराना चाहता था या दिल्ली के लिए शिक्षा का कल्पना अगर हम करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी था कि इनके बीच में आने वाले जो कमजोरी है, जो कमी है, उसको फुलफिल करना। तो सबसे बड़ी कमी थी गरीबी और यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग, ये बहुत ज़रूरी था। यहाँ बहुत बच्चे ऐसे हैं कि 10th तक की पढ़ाई करते हैं और छोड़ देते, खासकर गर्ल्स आगे पढ़ाई कर नहीं पाते थे। अब तैयारी हमारी है कि मैं अगर हाई स्कूल में अगर मैं उनके लिए व्यवस्था कर रहा हूँ कि स्मार्ट क्लासेस हो जाए, मैं मिडिल स्कूल जाना चाहता, अगर ये सारे काम मेरे चल रहे हैं, मैं IIT कानपुर के साथ MOU करके मैथ इंग्लिश साइंस के कोर्स डेवलप करा के इनको दे रहे हैं, लेकिन आगे पढ़ाई इनका बंद हो जाता था, उसी को तैयारी भी ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र से इन बच्चों के लिए स्टूडेंट एक्सप्रेस शुरू कराए ताकि ये रोज़ क्लास कर सके और घर भी वापस आ सके। जिन परिवार के ऊपर बोझ ना पड़े, क्योंकि वहाँ शहर में रहने का, चाहे बुंडू हो, रांची हो, कहीं भी शहर के अंदर रहने का बोझ ना रहे और बच्चे रेगुलर क्लास भी कर पाए, इसी सुविधा को देने के लिए ये स्टूडेंट्स एक्सप्रेस प्रारंभ किया गया। काफ़ी अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई है, CCTV है, वाईफाई है, सारी सुविधाएं हैं, CCTV वाईफाई से लेकर GPS सारा सुविधा यहाँ पर है, TV है जिसमें इनको हमेशा इनको प्रोत्साहित करने वाले कुछ पिक्चर्स के माध्यम से दिखाया जाएगा, इनके कोर्स भी हो सके, तैयार जो रहेंगे उनको चलाया जाएगा, घर से माँ बाप इनको इनका लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं, हमारे हाथ में लोकेशन रहेगा इनका कि बस कहाँ चल रही है, CCTV के माध्यम से हर गतिविधि को ध्यान रखेंगे। आप भी बहुत बार बस में सफ़र कर चुके हैं, उस बस में और इस बस में कैसे अंतर है? वो निश्चित रूप से आज का समय बदला हुआ है और समय सुविधा के साथ बदला हुआ है। मैं आम साधारण गरीब परिवार के बच्चों को सारी सुविधाएं देने की मेरी तैयारी है ताकि इनका मनोबल न गिरे और ये अपना जो टारगेट है, जो लक्ष्य इनका है, उसको पूरा करने में अपना समर्पित रहे। दिल्ली से रांची तक का सफ़र काफ़ी, ये कह सकते हैं, लंबा होता है, काफ़ी पैसों वैसे भी खर्च होते हैं छात्रों का। अब उसमें देख सकते हैं उस छात्रों का बच्चों जो है सदुपयोग कह सकते हैं, अब क्या पाएंगे? बिल्कुल, जो अपना भविष्य संवारना चाहें उसका ये जीवन का आधार बन जाएगा कि वो जा सकते हैं। मैंने सबसे बड़ा कहा कि गरीबी आड़े नहीं आएगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आड़े नहीं आएगी, ये सुविधा उनको समर्पित है, जो आगे पढ़ना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं। ये सिर्फ इसी रूट में चले कि और कुछ रूट? अभी एक ब्लॉक में प्रारंभ कर रहे हैं, फिर अन्य ब्लॉक में भी प्रारंभ किया जाएगा। ये पूरा अभी बहुत सारे काम है, अभी कोचिंग सेंटर इसके लिए आना है, मैं जितने भी कड़ी पढ़ाई के जितने हैं पुस्तकालय हमने बड़ा खोला है, अभी छोटे छोटे पुस्तकालय भी इनको गाँव घर में मिलने लगेंगे। तो बहुत सारी तैयारी है, जितने अच्छे पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए क्वालिटी जितना डालना पड़ेगा हम उसमें डालेंगे, चूँकि इस बार का फोकस पूरा हमारा इसी सेक्टर में है। मेन फोकस युवा ही है, पढ़ेगा युवा तो बढ़ेगा, ये जरूरी है। कोई भी देश, राज्य, किसी के बारे में भी सपना अगर देखोगे गांव का, वो आगे तब होगा जब उनमें शिक्षा अच्छी होगी, जब उनमें क्वालिटी आएगा, तब जाके एक नई दिशा मिलेगी। युवाओं को नई दिशा की ओर प्रेरित करना ज़्यादा जरूरी है, भटकाऊ तो कहीं भी मिल जाता है लेकिन सही मार्गदर्शन मिल देना बहुत जरूरी है। संभवतः झारखंड में ये पहली बार हो रहा है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की जाए। हाँ, ये पहला घटना है लेकिन ये आगे मार्गदर्शक भी बनेगा। तो हो सकता है कि आपसे प्रेरणा लेके जितने विधानसभा क्षेत्र के विधायक वो भी इस पहल करें। हमारी हमेशा जीरो से कोशिश रही है, जहाँ पर आप खड़े हैं 20 साल पहले कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता था, क्योंकि तीन ओर से नदी गिरा हुआ था। हमने प्रारंभ भी जीरो से किया है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले से लेकर अब हमने दो चीज़ों पर फोकस किया है, एक खासकर एजुकेशन सेक्टर, दूसरा हेल्थ। मैं हेल्थ पे भी आऊँगा, मैं उस पे भी हमारा काम चल रहा है, हर वो चीज़ें कम संसाधन में लोगों तक पहुँचाएँ, उनके चेतना बढ़ाएँ और प्रेरित करें, यही मेरा काम है। सुदेश महतो आगे क्या देखते हैं छात्र और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? देखो, इनको इनका पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, परिवार के माली हालत पर इनका ध्यान न जाए बल्कि किताब पर जाए और उसकी क्वालिटी पर चले जाए, यही चाहते हैं। फोकस बदले इनका, गांव घर से निकलकर अब बच्चे अच्छे कर सकते हैं, ये मनोबल बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मनोबल बढ़ाना बेहद ज़रूरी है, यही इन्होंने कहा और क्या इसी का आप जीता जागता नमूना देख सकते हैं कि इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट एक्सप्रेस की शुरुआत की है, छात्रों के लिए बस सेवा की शुरुआत की है और इसमें
अत्याधुनिक सुविधाएं भी हैं, जिसमें कह सकते हैं सीसीटीवी से लैस है, जीपीएस की सुविधा है, उसके साथ साथ कई और भी सुविधाएं हैं जिसको जो है छात्रों को लाभ मिलेगा। तो कह सकते हैं झारखंड के लिए एक बहुत अच्छी पहल की गई है, सुदेश महतो ने ये पहल की है, और हो सकता है इनसे सीख लेकर आने वाले समय में दूसरे विधायक भी पहल करें और इस तरह की शुरुआत करें। न्यूज़ बाइस्कोप ले कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304811। के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।